बाघमारा में लोग रोज पहुंचते हैं, लेकिन वो आदमी दिल्ली से पैदल चलता चलता बाघमारा पहुंचा था। लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई उसकी ये यात्रा अब भी जारी है, उसे साहिबगंज तक जाना है। एक रिपोर्ट देखिए आप। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। ये आदमी जिसे पटरियों पर चलता देख रहे आप, ये शख्स दिल्ली से बाघमारा तक पैदल चलता आ रहा, बिना खाए बिना कुछ पिए, बस चलता गया, पर आखिर क्यों चलता गया, सुनिए खुद इसकी जुबान। मैंने कहाँ से आप आ रहे हैं अभी? वो दिल्ली से आ गया पैदल। तो दिल्ली से पैदल आ रहे हैं, क्या है क्या 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 हो गया आपको? जाते हैं जिला साहिबगंज है। कहाँ गए थे आप? दिल्ली काम करने के लिए। तो क्या हो गया वहाँ पे आपका काम? में ना दिया संतार राज के नाम में। हाँ, राज के राज में ना दिया काम में। तो नौकरी छटा दिया आपको वहाँ पे? क्या आपका नाम हुआ? हमको नाम, आपका नाम क्या हुआ? बांबड़ा पारिया। क्या? बांबड़ा पारिया। तो आप कहाँ रहते हैं, घर का आपका? वो अमरबुट्टा है। कहाँ पड़ता है ये? जरकंड पड़ता है, जरकंड जिला पड़ता है। कौन जगह पे? बारहवा और इधर है पड़ता है। तो अभी आप घर कैसे जाइएगा? पैदल ही घर जाइएगा? मुफलिसी बीमारी ही कुछ ऐसी, इसमें शरीर को राहत नहीं बल्कि काम चाहिए होता है। उसी काम की तलाश में ये शख्स दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में काम मिला नहीं, वापस लौटने लगा। वापसी में कुछ लोगों ने इसका बैग भी छीन लिया। किसी तरह ये बाघमारा पहुंचा, अब साहिबगंज जाएगा जहां का ये रहने वाला है। रोटी बैंक यूथ क्लब महुदा ने अब इस शख्स की मदद करने की ठानी है, और अगर युवाओं ने ठानी है तो मदद तो होकर ही रहेगी। चला कि एक व्यक्ति है जो पैदल चल के दिल्ली से आ रही है, तो हम लोग मुचरा आईडी फाटक, हमको पता चला रोटी बैंक से हमारे सदस्य यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, उन्हीं के माध्यम से पता चला कि आज कोई पैदल एक आदमी दिल्ली से चलकर यहाँ तक आया हुआ है, और करीब 15-20 दिन से वो कुछ खाया नहीं था। तो हम सोचे कि ठीक है जाके देखते हैं, फिर आए और पूरा ये कहानी इनका सुने कि ये साहिबगंज के व्यक्ति हैं जिन्हें इसको कोई दिल्ली काम के लिए लेके गए थे लॉकडाउन के समय, और जब लॉकडाउन लगा तो ये उस समय से जो पैदल चल रहे हैं अभी तक घर नहीं पहुँचे, पैर पे पूरा घाव टाइप का बन चुका था, और आज महुदा पे पहुँचे हुए हैं। इनको हम लोग अभी खाना में खिलाए और आगे हम लोग चाह रहे हैं कि ये अपना घर तक पहुँच जाए। क्या पलायन का इससे क्रूर चेहरा हो सकता है? पलायन का दंश दिखाती इससे बदसूरत तस्वीर हो सकती है? क्यों आज भी हम पलायन को मजबूर हैं? क्या अपने घर में रोटी का जुगाड़ नहीं होगा? बाघमारा से न्यूज 11 भारत के लिए रोशन की रिपोर्ट। चल के बुलेटिन में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। नमस्कार।